गुजरात आके भी अगर हमने आपको काठियावाड़ी कुजीन नहीं दिखाई, रजवाड़ी कुजीन नहीं दिखाई, तो हम तो बहुत कुछ मिस कर देंगे ना, गुजरात का कैसे मिस कर देंगे। आज हम लोग आ गए हैं घी गुड़ में। यहाँ पे आपको 101 प्लस आइटम्स मिलने वाले हैं, दैट टू अनलिमिटेड इन जस्ट रुपीज 300। तो शुरू करते हैं हमारे फरसान से। गुजराती में स्नैक्स को फरसान बोला जाता है। तो ये देख सकते हैं, ढोकला बोलते हैं ना इसे, सैंडविच ढोकला। अरे वाह, ये हमारी मसाला चाट है। ये देखिए मिर्ची के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, और ये कटलेट है। तो एक कटलेट रखते हैं, यहाँ पे गर्मा गर्म बनाते रहते हैं, आपको सर्व करते रहते हैं। ये देखिए काठियावाड़ी लड्डू, सेब खमनी, खमन और एक लड्डू ले। ओए होए, ये देखिए क्या बात है। अब बढ़ते हैं आगे मेन कोर्स की ओर। सबसे पहले है हमारा भरेला बैंगन, और थोड़ा सा लेके रिशु ले ले यार, मुझे तो मस्त लगता है यार बैंगन की सब्जी, आई लव इट। इसके बाद है ये हमारी सीजनल वेज रहती है। ये कौन सी सब्जी है? वालोर। अच्छा, ये सीजनल के अकॉर्डिंग रहती है, ये मुझे नहीं पता। ये है हमारा रजवाड़ी ढोकली। ये देखिए ये ना कर्ड के टेक्सचर में है, कोर्ट से बनी है। ये है ओए होए रजवाड़ा भिंडी मसाला, इसके अंदर टमाटर डाले हुए हैं, ये सही लग रहा है। अगर आपको मतलब काठियावाड़ी और ऐसी कुजीन ट्राई करनी है ना, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे फ्लेवर्स, सारी आइटम्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। ये है आलू की सूखी सब्जी। ये तो भाई पंजाबी हो या मराठी, या हर जगह आपको ये वाली आलू की सब्जी तो मिलेगी। ये है मूँग दाल मसाला, ये देखिए। तो ऐसी जगहों का ना एक चीज़ है कि आपको हेल्दी तो मिलता ही मिलता है, साथ में स्वादिष्ट भी मिलता है। ये है हमारे आलू टमाटर रसा वाला, ये तरी आप देख सकते हो, काफ़ी रिच है, काफ़ी गाढ़ी है। और ये है हमारा बैंगन का भरता। ओए होए, ये तो मेरा और मेरे पापा का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम हमेशा इसी बात पर मम्मा से बोलते हैं कि यार बैंगन का भरता बनाओ, बैंगन का भरता बनाओ। ये है वेज कढ़ाई, जैसे पनीर कढ़ाई पनीर होती ना, उसी ग्रेवी में आपको वेज बीन्स और ये सारी सब्जियाँ मिल जाएंगी। ये है सेब टमाटर, मतलब यहाँ पे ना ये सेब टमाटर, उसल सेब, ये सारी चीज़ें बहुत ट्रेंड में रहती हैं। आइटम्स देखो, ये तो मेन कोर्स है। अभी देखो वहाँ पे आपके सैलेड्स हैं, वहाँ पे आपकी चटनियाँ हैं, मतलब इतनी सारी चटनियाँ। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ का ना गुजरात का श्रीखंड, ओए होए इतना पसंद है, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पनीर टिक्का मसाला, अमृतसरी छोले, और ये है कॉर्न कैप्सिकम, मतलब पंजाब का भी थोड़ा सा तड़का तो लगा ही हुआ है घी गुड़ में। ये है रजवाड़ा मसाला खिचड़ी, ये है हमारी दाल फ्राई, ये है राजस्थान की स्पेशल कढ़ी। याद है ना मैंने नटराज में आपको दिखाया था गुजरात की कढ़ी और राजस्थान की कढ़ी। राजस्थान की कढ़ी थोड़ी सी तीखी रहती है, चटपटी रहती है, और गुजरात की कढ़ी रहती है थोड़ी सी मीठी। ये देखिए ये है गुजरात की मीठी दाल। यहाँ के मीठे लोगों को यहाँ मीठी सब्जियाँ बहुत पसंद है। ये जैनों के लिए है जैनी वेजिटेबल खिचड़ी। ये आपको तीन तरीके के राइस मिल जाएंगे। बाप रे इतनी सारी सब्जियाँ कि मैं थक गई हूँ बताते बताते। अब गुजरात में आपको राजस्थान का भी थोड़ा एसेंस मिलेगा। ये है दाल बाटी चूरमा, ये पंचरत्नी दाल है, इसमें पांच दालें हैं। ये है बाटी और ओए होए पूरन पोली, ये तो प्यार है, ये प्यार है। ये आ गया हमारी फिर से स्वीट डिश लिक्विड मोहन थाल। ये कुछ बढ़िया लग रहा है, ये लेना बनता है। मैंने मेन कोर्स छोड़ दिया बताओ, और सारा स्वीट डिश में आ गई हूँ, अभी लूँगी बाद में ले लूँगी। ये देखो कितना सही लग रहा है यार, रवा केसरी हलवा अमेजिंग, गुलाब जामुन। ये सारा हो गया हमारा मेन कोर्स और स्वीट डिश, बहुत सारे आइटम हैं, मैं बताते बताते थक गई, आप लोग बाद में कैलकुलेट कर लेना। ये है आपका चाट सेक्शन, जैसे कि पहले भी दिखाया था, आप अपने अकॉर्डिंगली से चाट को बनवा सकते हैं। टमाटर प्याज सब कुछ आपको दिया है। ये है यहाँ के गोलगप्पे, अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खाओ। एंड घी गुड़ का मेरा फेवरेट सेक्शन ये है श्रीखंड। ओए होए यार, गुजरात आके जब हम श्रीखंड खाते हैं ना, ऋषभ और मैं तो क्रेजी हो जाते हैं। ये देखो पाइनएप्पल श्रीखंड, और ये कितना यार क्या मतलब, लुक एट दिस यार, केसर श्रीखंड, इलायची श्रीखंड, ओए होए अमेरिकन नट्स श्रीखंड, फ्रूट कस्टर्ड, बटर स्कॉच श्रीखंड। ये सैलेड हैं पूरी, और ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब चटनियाँ यहाँ पर इतनी तरीके की हैं, पूरे गुजरात की चटनियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो बेसिकली काठियावाड़ी इज़ अ क्विजीन जो आपको ना सदर्न गुजरात
का जो मेन खाना होता है वो आज आपको हम लोग स्पेशली दिखा रहे हैं। तो जल्दी से मेन कोर्स लगाती हूँ मैं, अपना टेबल पूरी प्लेट सजाती हूँ और आपको मिलती हूँ अंदर टेबल पे। और रोटी आपको ऑन द टेबल ही सर्व होंगी, गर्मा गर्म आपको यहाँ पे मिलेगी पूरी रोटी। और ये है हमारा बाजरे का रोटला, एक रोटला ये है और एक रोटला याद है हम लोगों ने बनाया था इतना बड़ा, ओ भाई साहब दिस इज़ क्रेजी। तो आपको यहाँ पे तीन तरीके की रोटी मिलेंगी, ठीक है, 300 रुपीज़ में। इट्स अ मतलब जो सबसे पहले जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी ना वो है यहाँ का एम्बियंस, देन यहाँ पे वेराइटी बहुत सारी है। अब बारी है टेस्ट की, तो वो जल्दी से करते हैं। मैंने ना बेसिकली आज सारी काठियावाड़ी आइटम लगवाई हैं, तो बाजरे के रोटे के साथ हम वो खाते हैं। सबसे पहले तो मैं करने वाली हूँ अपनी बैंगन की सब्ज़ी से ट्राई, और काठियावाड़ी में ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना बैंगन सब्जियों का राजा होता है, नहीं सही सब्जी रखते हैं ना, बैंगन इज़ माई फेवर ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स। और ये है हमारी काठियावाड़ी कड़ी, तो ये ट्राई करते हैं। मेथी का अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर है मेथी का, बहुत सही है। अब आपको दिखाते हैं लहसुनी बटाटा, बोले तो लहसुन की सब्ज़ी, और बटाटा बोले तो आलू। यहाँ पे ना आलू की सब्ज़ी, टमाटर, बैंगन, ये वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि जो काठियावाड़ा जिस साइड है ना सदर्न गुजरात में पत्ते वाली सब्ज़ियाँ मिलती नहीं थी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें का यूज़ ज़्यादा होता था। और दालें, बाजरा, ये सारी चीज़ें एनर्जी भी देती थी और स्वाद भी देती थी, इसलिए यहाँ पे ना इनका चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। और ये ना बिल्कुल भी मीठा, आपको गुजरात का एक ऐसा पार्ट है जहाँ आपको मीठा नहीं, बहुत चटपटा और बहुत ही फ्लेवरफुल खाना मिलेगा। ये इनकी मूंग की दाल आप देख सकते हो, ये बहुत सही है यार यहाँ का खाना। और ये रजवाड़ी लड्डू, देसी घी के बने हुए हैं, ओए हो बहुत ही सही है यार, मस्त। ये तो पैक करा के भी ले जाने वाली आइटम है। इस लड्डू पे मैं ये वीडियो एंड करूँगी, और बहुत सारे आइटम है 101 में तो ट्राई नहीं कर सकती हूँ। आज हमें घी गुड़ वडोदरा में वृंदावन हाइट्स करके एक जगह है, अमेजिंग खाना है, यू कैन ट्राई इट। 300 रुपीज़ में आपको इतना सारा अलग क्विजीन, एक तो कुछ मिलेगा वो भी टेस्टी। और टाइमिंग्स हैं इनके सुबह 10 बजे से दोपहर को 3-3:30 बजे तक, उसके बाद 6 बजे तक का ब्रेक होता है, फिर डिनर होता है 6 से रात को 10 बजे तक। तो आप एम्बियंस देखिए और आपका मन तो पक्का करने वाला है यहाँ पे आने का। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, जल्दी से अपने दोस्तों को टैग कर दो जो भी अगर यहाँ पे रहते हो, यहाँ का खाना नहीं खाया ना, एवा खाना बनता है, जल्दी से आ जाओ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ।